गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं राजेश गुप्ता, योर आईटी कंसल्टेंट। बात करते हैं आसान सीआरएम के बारे में। कैसे आसान सीआरएम आपके बिजनेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है, क्यों आपको आसान सीआरएम यूज़ करना चाहिए, क्यों सीआरएम यूज़ करना चाहिए, बेसिकली आपको बताऊं मैं इसके बारे में, थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं। शुरुआत करते हैं आसान सीआरएम से। तो देखिए, सीआरएम की जो ज़रूरत है, सीआरएम की अगर फुल फॉर्म्स की बात करें तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो बेसिकली आप कस्टमर के साथ अपनी रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन करते हैं, इसके बारे में पूरा सीआरएम है। तो सेल्स कवर करता है आपका, आपके कस्टमर का रिकॉर्ड्स कवर करता है, काफ़ी चीज़ें इसमें कवर हो जाती हैं। अब इसको आपको यूज़ करना सिर्फ इसलिए नहीं करना है कि आपको कस्टमर का रिकॉर्ड इसके अंदर डालना है। देखिए, जब आप कस्टमर का रिकॉर्ड डालना शुरू करते हैं तो उसके ऊपर बहुत सारी एनालिसिस कर सकते हैं। तो बेसिक पर्पस जो किसी भी सीआरएम का होता है, वो होता है अपने कस्टमर को समझना। अपने कस्टमर को जब तक आप समझेंगे नहीं, उसकी नीड क्या है, कहाँ से वो कस्टमर आता है, किस चीज़ को वो ज़्यादा खरीदता है, किस तरह का बिहेवियर पे वो अच्छा रिस्पॉन्स करता है, कौन से प्रोडक्ट को उसने मेरे को गलत रिव्यू दिया, किस प्रोडक्ट है मुझे अच्छा रिव्यू मिला, कहाँ पर मुझे सुधार करना चाहिए, कहाँ कौन सी चीज़ें मुझे इग्नोर कर देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक कुछ कस्टमर आ रहे हैं जो कि आपका एक प्रोडक्ट खरीदते हैं, 20 कस्टमर उसको खरीदते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो आपका एफर्ट जा रहा है वो 80% जा रहा है, और एक प्रोडक्ट है जिसको आपके 80 कस्टमर खरीदते हैं लेकिन एफर्ट सिर्फ 15-20% जा रहा है, और हो सकता है कि आप 80% वाले को पुश किए जा रहे हैं। तो आपको पता लगता है कि अच्छा, इस पे तो इतना सारा एफर्ट जा रहा है लेकिन कस्टमर कम है, तो इसको मैं छोड़ भी सकता हूं, और जहां पर मेरा कस्टमर ज्यादा है, एफर्ट कम है, उस पे और ज्यादा एफर्ट लगा सकता हूं। तो इस तरह की बहुत सारी एनालिसिस हैं जो कि आप कर सकते हैं। जब आप ये करते हैं तभी आपका बिजनेस ग्रो करता है, अदरवाइज तो आप एक दुकान चलाते हैं। तो कैसे इसको आप यूज कर सकते हैं, मैं बिल्कुल सिंपल एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करता हूं। फॉर एग्जांपल, अभी आप जो सामने देख रहे हैं वो एक डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड का मतलब है कि आप देख सकते हैं कितने महीने में आपकी कितनी लीड्स जनरेट हो रही हैं, कितने कस्टमर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं कि किस किस सोर्सेज से कस्टमर आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप फेसबुक पे मार्केटिंग करते हैं, या फिर आप जनरल मार्केटिंग करते हैं, होर्डिंग करते हैं, जो कुछ भी आप करते हैं, कहाँ कहाँ से आपके सोर्सेज, मतलब किन सोर्सेज के थ्रू आपको लीड्स आ रही है, आप चेक कर सकते हैं। किस किस प्रोफेशन के थ्रू आ रही है, जो आपके लीड्स आती हैं वो क्या है, आपका B2B बिजनेस है या B2C बिजनेस है, B2B बिजनेस है, तो कहाँ से ज़्यादा लीड आती है, आपको ज़्यादा ओनर कनेक्ट करते हैं, आपको मैनेजर कनेक्ट करते हैं, या नीचे लेवल के बंदे कनेक्ट करते हैं। तो दैट ऑल यू नीड टू सी। इस तरह से करके बहुत सारी एनालिसिस के ऊपर हो सकती है, मैं डिटेल में भी नहीं जा रहा हूँ। कन्वर्जन रेट आप देख सकते हैं कि कितनी लीड्स आपकी जनरेट होती है, और उनमें से कितने के कितना आपके लिए बिजनेस जनरेट करके देते हैं, धंधा किन से आता है। इंक्वायरीज तो बहुत सारी होती हैं, 100 इंक्वायरीज बनती हैं एक दिन में, लेकिन धंधा कितना से आता है। फॉर एग्जांपल, 5 से आया, 6 से आया, 10 से आया, तो उतना परसेंट आपको पता होना चाहिए। अब इसको सिंपली आप यूज कर सकते हैं। लीड का क्या मतलब होता है, लीड का मतलब होता है इंक्वायरीज। तो आपकी जितनी भी आपके बिजनेस में इंक्वायरीज आ रही हैं, वो सारी लीड के थ्रू आती हैं। आप इन सब इंक्वायरीज को यहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर कई चीज़ें हैं, क्योंकि मैं ज़्यादातर ऑटोमेशन की बात करता हूँ, तो यहाँ पर आपको सारी लीड कैप्चर नहीं करनी है। अगर आपकी लीड लेट्स से वॉक इन से आ रही है, तो ऑफकोर्स आपको यहाँ पर जाके मैन्यूअल लीड बनानी पड़ेगी। लेकिन अगर आपकी लीड लेट्स से इंडिया मार्ट से आती है, जस्ट डायल से आती है, फेसबुक से आती है, लिंक्डइन से आती है, और भी किसी मीडियम से आती है, लेट्स से अमेजन से आती है, आपकी लीड फ्लिपकार्ट से आती है, कहीं से भी अगर आपकी लीड जनरेट होती है, तो उस लीड को आपको मैन्युअली फीड करने की जरूरत नहीं है। आप इस सिस्टम को उससे कनेक्ट कर सकते हैं, वहां पर जैसे ही लीड जनरेट होगी वो ऑटोमेटिकली इसमें कैप्चर हो जाएगी। जैसे ही लीड कैप्चर होगी, अब सेकंड काम क्या होता है कि आपको उस कस्टमर को ग्रीट करना पड़ता है। कोई भी इंक्वायरी जो है, इसको आप ग्रीट करते हैं कि थैंक यू फॉर योर इंक्वायरी, और वेलकम टू आवर बिजनेस, और समथिंग लाइक दैट। उस केस में क्या करना पड़ता है, ये काम भी आपका ऑटोमेट हो जाता है। आपकी जैसे ही इंक्वायरी जनरेट होगी, आप ऑटोमेटिकली उसको एक SMS कर देते हैं, उसको एक ऑटोमेटिकली एक मेल चली जाती है। इवन उस SMS और मेल के अंदर आपकी पूरी जानकारी चली जाती है, आपके सारे ब्रोशर्स, आपके लिंक चले जाते हैं, ताकि वो उसके अंदर फटाफट देख सके। तो इस तरह से करके पहला काम आपका क्या हुआ कि आपने लीड कैप्चर कर ली सारी, हर जगह से ऑटोमेटिकली कर ली, मतलब जिनमें आपको सकता है एम्प्लॉयज लगाने पड़ते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके चेक करना पड़ता है, वो सारा काम आपका खत्म हो गया है, ऑटोमेटिकली आ गया। वॉक इन लीड ऑफकोर्स, क्योंकि आपसे बात करके आ रहा है, तो आपको यहाँ पर फीड करनी पड़ेगी। उसके अंदर भी आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। आप एक क्या कहते हैं, आईपैड स्क्रीन लगा सकते हैं जिसके ऊपर वो खुद एंट्री कर दे, बट दैट्स फाइन। कमिंग टू द नेक्स्ट, आपने वेलकम SMS भेज दिया। अब क्या होगी, जो लीड जनरेट हो गई, इन 100 में से हो सकता है 8 या 7 या 6 या 10 लीड, मतलब डिपेंड करता है बिजनेस के ऊपर, वो आपकी कन्वर्ट हो, ठीक है। जो कन्वर्ट होगी वो ठीक है, लेकिन जो कन्वर्ट नहीं हुई उस, वो क्या हुआ, वो आज कन्वर्ट नहीं, हो सकता है फ्यूचर में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन फ्यूचर में कन्वर्ट करने के लिए हम कर क्या रहे हैं, हम जनरली कुछ नहीं करते हैं। CRM के थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि जिन लीड, जो लीड्स आपसे मिस हो गई हैं अभी फिलहाल, जिन्होंने आपसे कुछ नहीं खरीदा है, उन लीड्स को आप रेगुलर SMS और रेगुलर ईमेल्स, व्हाट्सएप, जो भी मीडियम है, वो आप उनको रेगुलर भेज सकते हैं। और उसको करने के लिए आपको स्पेशली किसी को लगाने की जरूरत नहीं है, सिस्टम अपने आप भेजता रहेगा उनको मेल्स, अपने आप SMS करता रहेगा रेगुलर टाइम पे, 5 डेज, 10 डेज, 15 डेज। तो
वो जो बाकी 90 लीड्स आपकी रह गई थी उसके अंदर से भी आप देखेंगे स्लो एंड स्टडी नेक्स्ट 3-4-6 मंथ्स के अंदर करीबन 30-40% और लीड कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इस तरह से आपका बहुत सारा काम जो आप जनरली खुद तो नहीं कर पाते हैं, एम्प्लॉयज को अगर देंगे तो फिर ध्यान रखना पड़ता है, वो सारा काम आपका ऑटोमेट हो जाता है। उसके बहुत सारी चीज़ें हैं अगर आपने की अपॉर्चुनिटी में आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसी लीड को, लीड आपकी अपॉर्चुनिटी इन द सेंस आपका क्लाइंट में कन्वर्ट हो रहा है, आपको लगता है कि अच्छा इस नेगोशिएशन स्टेज तक हमारी लीड पहुंच गई है, राइट, तो आप क्या कर सकते हैं उसके अंदर जाके इसको बना सकते हैं। जैसे आपने कहा कि यहाँ पर आप प्रोबेबिलिटी सेट कर सकते हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी है, वो किसी स्टेज क्या है उस लीड की, वो क्वालिफिकेशन में है, प्रोबेबिलिटी है, या हमने उसको प्रपोजल भेज दिया है कन्वर्ट होने वाली है, या अभी नेगोशिएशन स्टेज चल रही है, और फाइनली हुआ क्या उस लीड का, वो कन्वर्ट हुई या नहीं हुई, अगर वो हुई तो कैसे हुई, अगर नहीं हुई तो उसका कारण आप लिखिए कि क्यों लीड कन्वर्ट नहीं हुई। ये आपको फ्यूचर में हेल्प करेगा जानने के लिए कि मेरी कौन सी लीड कन्वर्ट नहीं हो पा रही थी, या मेरा कौन सा एम्प्लॉई जिस लीड को हैंडल कर रहा था वो वाली कन्वर्ट नहीं हो पा रही थी, तो उसमें क्या मुझे और काम करना है या मुझे रिप्लेस करना है या जो भी मेहनत करनी है वो आपका पर्सनल डिसीजन है। अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं आप जिन भी कंपनीज के साथ आप काम कर सकते हैं। देखिए लीड जो है वो जनरली एक बंदे से आती है, लेकिन अकाउंट्स में क्या होता है कि किसी वो जो पर्सन आपके साथ लीड लेके आया वो जिस कंपनी से बिलोंग करता है उस कंपनी में हो सकता है आप बहुत सारे और लोगों को जानते हो, उन लोगों का भी कॉन्टैक्ट बनाना जरूरी है, उन लोगों की इन्फॉर्मेशन भी आपके पास होनी चाहिए। आपको नहीं पता कब कौन सा कहां से कॉन्टैक्ट आपको बिजनेस लाने में हेल्प करेगा, तो आप अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं, कंपनीज मेंटेन कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट बुक मीन्स उस कंपनी के अंदर जितने भी बाकी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी पूरी डिटेल आप इसके अंदर मेंटेन कीजिए। ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको मेंटेन करनी चाहिए और फ्यूचर में बिग बिग ग्रोथ, मतलब आपको पता भी नहीं लगता कब आपके बिजनेस को जिसे कहते हैं, अगर लेट से आपका बिजनेस 100 रुपीज़ का है तो 500 रुपीज़ कब हो जाता है आपको पता भी नहीं लगेगा। आपके एम्प्लॉयज़ हैं, देखिए आपके एम्प्लॉयज़ का डेटा होता है 4, 5, 20, 50, मतलब जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं आप उनके एम्प्लॉयज़ का डेटा इसमें स्टोर कर सकते हैं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग उनकी सैलरी, एक छोटा एचआर सिस्टम है ये, इसके अंदर आप उनकी सैलरी की डिटेल डाल सकते हैं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग के आधार कार्ड और पैन कार्ड जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आप अपलोड कीजिए। होता क्या है कि जब सारी चीज़ें एक साथ होती हैं तो आपको सर्च करना ढूंढना ये सब चीज़ें आसान हो जाती हैं। आप अलग अलग जगह रखते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर में रखते हैं तो उसमें क्या होता है कि अच्छा उस वाले सॉफ्टवेयर में रखा था, नहीं उस वाले सॉफ्टवेयर में रखा था, मैंने तो फोल्डर में रखा था, ये सब प्रॉब्लम से आप बच जाते हैं। तो किसी भी रिसोर्सेज कंपनी के अंदर ना एम्प्लॉयज़ के साथ काम करना और जो बहुत सारे रिसोर्सेज उनको ढूंढना, जो बात हो गई उससे क्या बात हुई थी इसको डालना, मतलब ढूंढने के अंदर करीबन आप मानिए 8 में से 3 से 4 घंटे अगर आप ध्यान से नोट करेंगे तो 3 से 4 घंटे सिर्फ ढूंढने में जाते हैं, अच्छा ये हो गया था नहीं हो गया था, सोचने में जाते हैं क्या हो गया था क्या नहीं हो गया था। अगर CRM के थ्रू आप सारी चीज़ें रिटर्न में रखेंगे, सिस्टमेटिक रखेंगे, तो कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये 4 घंटे आपके बचते हैं जिसको आप और बाकी ग्रोथ के पैरामीटर्स पर, मतलब और आपके एफिशिएंट कामों में लगा सकते हैं। नेक्स्ट है टास्क मैनेजमेंट। आप अपने एम्प्लॉयज़ के थ्रू टास्क असाइन कर सकते हैं, कब उसने टास्क किया, कितना टास्क किया, उसका परफॉर्मेंस कितना था, किस लीड को उसने कब रिप्लाई किया, कितना टाइम लिया उसने रिप्लाई करने में, क्या क्या बात चली एम्प्लॉयज़ के बीच में और किसी क्लाइंट के बीच में, वो सारी की सारी रिकॉर्ड होंगी ताकि कल को अगर मान लिया कोई लीड कन्वर्ट हुई या नहीं हुई तो यू कैन सी द रिकॉर्ड्स, आप देख सकते हैं अच्छा ये बात हुई थी इसके बीच में, इस स्टेज पर जाके उसने मना कर दिया। तो इस तरह से करके आप पूरा एनालाइज कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर लीड जा रही है, कहाँ पर कन्वर्ट नहीं हो रही है। ऊपर से क्या है कि एम्प्लॉई की जवाबदेही बन जाती है कि मुझे ये काम करके देना है, ये मुझे असाइन हो गया था तो आज असाइन हुआ था, मैंने कितने दिन लिए, तो फ्यूचर में उसकी परफॉर्मेंस जब आप ट्रैक करेंगे तो ट्रैक कर सकते हैं, अच्छा मैं तेको जब भी काम दे रहा था जो काम 2 दिन का था तुमने 2 दिन एक्स्ट्रा लगाए हैं हर बार, तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है। इस तरह से करके बहुत सारे काम आप इसके अंदर कर सकते हैं। तो बेसिकली जब सारी की सारी चीज़ें आपकी एक साथ आ जाती हैं तो क्या होता है कि डेटा इकट्ठा होता है। देखिए डेटा इज़ द नेक्स्ट फ्यूल। अगर आप बात करेंगे वर्ल्ड वाइड ये बात चल रही है कि डेटा ही सब कुछ अब फ्यूचर में सब कुछ ड्राइव करने वाला है, तो जब सारा का सारा डेटा आपका आपके बिजनेस का आपके पास होता है तो आप उसके अंदर से ऐसी ऐसी इंसाइट्स निकाल सकते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें निकाल सकते हैं जो आप मार्केटिंग पे पैसा खर्च करते हैं। लेट्स से आपने मार्केटिंग पे आप 1 लाख रुपये खर्च करते हैं, तो अगर आपने अपने सिस्टम को ढंग से एनालाइज कर लिया तो 1 लाख रुपये खर्च करने की बजाय वो 20,000 में उतना ही रिजल्ट दे देगा, तो बेसिकली आपने 80% पैसा बचाया। इस तरह करके छोटे छोटे बहुत सारे सॉल्यूशन आपको मिलते हैं, इसलिए CRM यूज करना मस्ट है किसी भी बिजनेस के लिए। आप इस CRM, अगर मैं आसान CRM की बात करूं तो इस CRM की जो आपकी चीजें सूट कर रही हैं आप उसको यूज कर सकते हैं। आपको लगता है नहीं कुछ चीजें मुझे मेरे बिजनेस के हिसाब से कस्टमाइज होनी चाहिए तो हम कस्टमाइज कर देते हैं, फील्ड्स कस्टमाइज हो जाती हैं, आपका सारा फ्लो कस्टमाइज हो जाता है, बट टू ग्रो इन योर बिजनेस यू मस्ट यूज एनी CRM। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।